नमस्कार, स्वतंत्र कला के फनकार में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूँ, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूँ, एक ऐसे कलाकार से मिलवाता हूँ जिस कलाकार जिनके हाथों में जादू है, जिन्होंने पूरे देश में अपनी कला का हुनर दिखाया है। ये कला आज के दौर में बहुत कम लोगों में पाई जाती है, और जिस तरह से उन्होंने जो पूरे देश के जो पुराने जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनकी कलाकृतियां उन्होंने बनाई हैं, और उन्होंने न जाने पूरे देश में कितने लोगों से उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ हस्तशिल्प के एक मूर्तिकार से, गया प्रसाद जी से। गया प्रसाद जी मेरे साथ हैं इस समय, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये कब से शुरू की, उन्होंने किससे इंस्पायर होके इस तरह की मूर्तिकार बनने में उनकी रुचि हुई। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ गया प्रसाद जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वतंत्र प्रभात के स्वतंत्र कला के फनकार में, और मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम मूर्तिकार गया प्रसाद है, जो कि ग्राम झंडी राज पड़ता है और जिला खीरी के रहने वाले हैं हम। अच्छा, ये आप बताए मुझे कि आपने कितने साल हो गए आपको ये मूर्तियाँ बनाते हुए, और आपने इसकी जो शुरुआत की वो आपने कहाँ से? ये तो भाई साहब हमने बचपन से स्वतः जो है बचपन से हुई हमारी, जो कि कक्षा एक में हम पढ़ते थे, तो छोटा बड़ा भले न लिखें लेकिन हमको चित्र बनाना उस पर खड़िया पाटी पे जो है अच्छा लगता था, इसलिए पढ़ाई में तो खैर हमने इतना वो नहीं किया, लेकिन मूर्ति कला में या चित्र कला में जो है हमने ज़्यादा बनाने की इच्छा की, और बचपन से ही हमारा ये जो है शौक़ रहा, जो कि ये शौक़ धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे देश में फैला। हमने बहुत सी जगहों पर मूर्तियाँ बनाई, मंदिरों में और बहुत से चौराहों पे मूर्तियाँ, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं या महात्मा बुद्ध जी हैं, और नेपाल में भी हमने जो है उग्रतारा माता का स्थान पड़ता है यहाँ पर भी काम किया है, हंगड़ी में भी किया है, और उसके बाद में लखीमपुर तो हमारा ज़िला ही है, ज़िला को छोड़ करके हमने अन्य जिलों में भी काम किया है। देखिए, हर चीज़ में एक गुरु होता है, मैं जानना चाहूँगा इसमें आपके कोई गुरु हैं या ये आप अपने दिमाग से आपके पास कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं आप उनको? वैसे कुछ थोड़ा थोड़ा सा याद आता है हमें कि माँ जो है जब आटा गूंधने लगती थी तो उसमें जैसे कि आटा गूंधते समय पर कुछ माँ होती हैं जो वो कहती हैं बच्चे को चिड़िया बना करके दिखाना, आटे को वैसे वो करके चिड़िया बना करके दिखाते हैं, देखो ये चिड़िया बेटा बनी हुई है। इस तरीके से हमको कुछ आभास हो रहा है, ये सब कैसे हमारे अंदर आया, तो हमको ये आभास हो रहा है कि माँ जो है ये सब जो है जब चिड़िया और ऐसी बातें करती थी तो हमें कुछ ऐसा लगा कि शायद इन चीज़ों को हम भी बनाएं, तो इससे जो है आरम्भ हुआ। गया प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इसको बनाने? मटेरियल तो जैसे कि कभी कभी सीमेंटेड भी काम होता है, इसके अलावा फाइबर में भी होता है, तो ये तीन मटेरियल में ज़्यादातर कार्य किया करते हैं, संगमरमर मटेरियल या सीमेंटेड या फाइबर, ऐसी चीज़ों द्वारा ज़्यादातर कार्य होता है। अच्छा, आपने कौन सी कोई ऐसी एक मूर्ति बनाई है, जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आपने अबुल कलाम जी की, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी आपने एक मूर्ति बनाई है, कलाकृति बहुत अच्छी है, तो उनको आपने श्रद्धांजलि? हमने उन्हें जो है उनके मरने उपरांत श्रद्धांजलि दिया था, हमारे देश के जो महान साइंटिस्ट थे, हम उनकी तस्वीर को दिखाते हैं। अभी हमने अपने कुछ जो बनाई है ये देखो महान भाव की हमने वो दिखाई है जो मिसाइल के सहित दिखाई है। और कौन कौन सी आपने मूर्तियाँ किसके नेताओं की बनाई हैं ज़रा? इसके अलावा हमने बहुत से जो हमारे देश के खास रहे हैं ऐसे लोगों की बनाई थी,
जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, ये इंदिरा गांधी हैं, और भारत माता की भी हमने मूर्ति बनाई ये सामने जो है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी खूबसूरत कलाकृति है। जैसा मैंने आपसे बताया था कि इनके हाथ में जादू है, तो जादू आप भी देख सकते हैं, आप भी इनसे सीख सकते हैं। ये अपने आप में एक विद्यालय हैं जो के हकीकत है। जहाँ मैं खड़ा हूँ इन्होंने मुझे अपनी कुछ कलाकृतियाँ बना के भी दिखाई हैं। मैं आपको आपके साथ भी वो शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कितना समय और कितना मटेरियल लगता है। ये सब मैं अभी गया प्रसाद जी से बात करूँगा और बताऊँगा। आपसे जानना चाहूँगा एक मूर्ति बनाने में आपको कितना समय लगता है और कितना मटेरियल लगता है, क्या आप कितने घंटे एक दिन में काम करते हैं? आदमकद कोई भी मूर्ति है तो वो मान के चलो कि 15 दिन या 20 दिन तो खैर लग ही जाता है आर्टिस्टी करते समय पर। तो और इसका हर समय नहीं कार्य होता है, हर समय जैसे ज़्यादातर कार्य करे कम होता है, लेकिन इसका सोच ज़्यादा होता है। उसको अपने मंचन में लाना होता है कि कोई भी महान भाव की मूर्ति बन रही है तो उसकी शक्ल को जो है कंट्रोल करना होता है कि कितनी इनकी नाक है, मुंह है और कितने क्या है, तो ऐसे कंट्रोल करना होता है। उसके बारे में हर समय काम नहीं बल्कि सोचना ज़्यादा होता है। तो एक दिन में कितने घंटे आप काम करते हैं फिर इस पर? एक मान के चलो कि वैसे तो जब अपने मूड में होते हैं तो कार्य तो बराबर होता ही रहता है, कहीं बैठे हैं वहीं पास में देख रहे हैं, कहीं खड़े उसको काम कर रहे हैं, तो अंदाजा तो नहीं लगा मिलता है। लेकिन शाम जब होने को होती है तो फिर सब मतलब सोच जो है दूर हो जाते हैं और फिर हम अपने घर को चले जाते हैं। जी मैं देख सकता हूँ यहाँ पर ये दो मूर्तियाँ मेरे समक्ष हैं, तो मैं जानना चाहूँगा ये कौन है और इनको आपने मतलब क्या सोच के बनाया, कोई इसके पीछे आपकी थीम थी क्या? हमारे लखीमपुर के जो है कुत्ती बाबू आरा मशीन वाले कहलाते हैं, इनके बड़े लड़के जो जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो स्टार हो गए, समाप्त हो गए। अब ये मूर्तियाँ जो हैं जो घर वाले हैं वो जो है मतलब नहीं चाहते हैं, कुछ बच्चों की इच्छा होती है कुछ बच्चों के नहीं होती है माता पिता के इससे, तो इसलिए ये मूर्तियाँ जो है उनके घर वाले तो नहीं लिए हैं, तो इसलिए तब तक हमारे कारखाने में ही बैठी रहती थी। तो आप देख सकते हैं एक ये दूर से देखने में लगता है कोई जीती जागती कोई माता जी हैं वो बैठी हैं, और इनके साथ में मैं आपको दिखाऊं पुत्ती बाबू जिनका नाम बताया वो भी, ये एक अद्भुत कला का नमूना मैं आपको कह सकता हूं कि है। इस तरह की कलाएं आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलती हैं, जो गया प्रसाद जी को एक भगवान की तरफ से गॉड की तरफ से गिफ्ट दिया गया है। तो मैं आपको अभी गया प्रसाद जी के हाथ से बनी हुई कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा और कुछ बातें बताएंगे गया प्रसाद जी अपनी फ्यूचर के बारे में, अपनी कला के बारे में। मैं आपको लिए चलता हूं उनके साथ में जहां से वो ये मूर्तियां बनाते हैं। तो देखिए गया प्रसाद जी यहां पे एक शिवलिंग बना रहे हैं। गया प्रसाद जी ये शिवलिंग आप जो बना रहे हैं ये कब से आप बना रहे हैं? ये तो परसों से जो है आरंभ हुआ था हमारा ये। अच्छा अभी इसमें कितना और समय लगेगा? इसमें भी 2 दिन तो लग ही जाएगा। 2 दिन लग जाएगा इसमें? हाँ, 2 दिन तो लग जाएगा। तो ये किससे सीमेंट इसमें आपने यूज करी है और क्या क्या बनाया? हाँ सीमेंट से ही बन रहा है ये, वैसे मार्बल में भी बनता है, कभी कभी मार्बल के ऑर्डर आते हैं तो मार्बल में होता है कार्य, सीमेंटेड भी होता है, तो ये तो ऑर्डर की बात है, ऑर्डर जैसा आता है उसी तरीके से कार्य होते हैं।
तो ये पूरा आपने जो बनाया है ये क्या किसी फ्रेम में रख के बनाते हैं या इसी तरह से जस्ट अपने हाथों की कारीगरी है आपके? नहीं तो ये इसमें जो है फ्रेम का वो नहीं होता है, जैसे किसी मानव की मूर्ति जब हमको बनानी होती है तो उसका उसका कोई फ्रेम नहीं होता है, वो तो बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट चलती है और डायरेक्ट ही हमारे सब सभी कार्य हैं। जो भी कोई भी प्रकार का कार्य हमको फोटो दिखाना होता है, सिर्फ फोटो दिखाए और उस प्रकार की हम मूर्ति बनाते हैं। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि देखिए सिर्फ फोटो देखने के बाद एक साइड में फ़ोटो, जैसे अक्सर देखा होगा कि आर्टिस्ट कैनवास बनाते समय अपना फ़ोटो रख के साइड में और उसके साथ में वो बनाते जाते हैं, सेम प्रोसीजर सेम चीज़ है गया प्रसाद जी, सिर्फ फ़ोटो देखते हैं और फ़ोटो देखने के बाद वो किसी की भी तस्वीर को सेम टू सेम बना सकते हैं। ये मैं फिर एक बार कहूँगा, भगवान का दिया हुआ ये एक गॉड गिफ्ट है उनको। और जैसा उन्होंने मुझे बताया कि शुरू में खेल में जैसा घर में अक्सर बच्चों को आटा दिया जाता है उससे उन्होंने बनाना शुरू किया और आज उन्होंने उसको अपने प्रोफेशन के तौर पे लिया हुआ है। मानव की मूर्तियों का जो है